हाय गाइस, दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम करण है। आज के इस नए वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में जो गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, ये जो एडिटिंग है काफी ज्यादा इजी है, तो गाइस आप लोग को जो है मतलब बस वीडियो को ध्यान से देखना है एंड फिर आपको जाकर एडिट करना है, ठीक है? तो आप लोग पहले वीडियो को ध्यान से देखना एंड बाकी बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि यार नीचे आप देख सकते हो यार हम 30,000 सब्सक्राइबर के कितने करीब, तो यार प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चलिए आज किसने वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप सभी को। तो आप सभी को करना है कि आप लोगों को पहले चले जाना ऐड फोटो, मैंने यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है? यहाँ पे आपको अपने मॉडल को ऐड कर लेना है। एंड बाकी आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो कपड़े जो पहनोगे वो आपके ब्लैक कलर के होने चाहिए, ठीक है? आप जैकेट पहन सकते हो, शर्ट पहन सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो पहन सकते हो, ठीक है? बट यार ज़्यादा अच्छा जब लगेगा अगर आप जैकेट पहनोगे तो, बाकी अगर नहीं है तो शर्ट में भी आप पहन सकते हो, ठीक है? तो उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली ऐसे ऐड कर देना है, उसके बाद डन कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को सिंपली दोबारा ऐड फोटो में चले जाना है। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से जो है आपको जो क्रिश का जो मार्क्स है वो आप सभी को ऐड करना है, ठीक है? ये वाला तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड इसको भी डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जो हम यहाँ पे फेस के पास ऐसे इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे जो है आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके फेस से ज़्यादा बड़ा ना लगे एंड आपके फेस पे ज़्यादा छोटा भी ना लगे, ठीक है? एवरेज में लगाना है आपको एकदम अच्छे से ध्यान से, ठीक है? बाकी उसके बाद देखिए अभी यहाँ पे जो है थोड़ा फेक सा लग रहा है क्योंकि अभी हमने इसमें शेडो ऐड नहीं किया है, तो अभी हम इसको पहले तो एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है? पहले हम एडजस्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम ब्राइटनेस इसकी थोड़ी सी कम करेंगे, सैचुरेशन जो है इसका हम थोड़ा सा इसको भी कम कर लेंगे एंड इसको डन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम चलेंगे, यहाँ से एक आपको ऑप्शन मिलेगा आपको आपके पिक्सआर्ट में, ये शेडो वाला, आपको सिंपली इसको ऑन कर देना है एंड पोजिशन में जाना है। आपको पोजिशन में जाने के बाद आप सभी को जो इन दोनों को जो यहाँ पे आपको सेट कर देना है, ठीक है? इस तरीके से। एंड बाकी एडजस्ट में जाके जो आपको इसका ब्लर वगैरह जो है कम कर लेना है एंड उसके बाद आप सभी को जिसके ओपेसिटी जो आपको अपने हिसाब से रख लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे इतना इतना कर लेता हूँ, ठीक है? एंड इसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, इतना हो जाने के बाद आपको जो यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है? यहाँ पे इतना परफेक्ट है, अब इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत है नहीं हमें, अगर हम ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो कुछ और ही बन जाएगा एक क्रिश की जगह, ठीक है? तो अभी इतना करते हैं। अब इसके बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे सिंपली अपनी फोटो को डन कर देना है, ठीक है? उसके बाद आप सभी को दोबारा ऐड फोटो में जाना है एंड ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से ऐड करना है आप सभी को आई का पीएनजी, ठीक है? यही वाला आई का पीएनजी लगाना है आप सभी को, ठीक है? क्योंकि इसी से ही थोड़ा सा मतलब कि अच्छा लुक आएगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको अपने आई के हिसाब से लगा देना है, इरेजर टूल में जाकर आपको एक्स्ट्रा पार्ट जो भी उनको इरेज कर देना है इस तरीके से, ठीक है? यहाँ पे गाइस मैंने वीडियो को फास्ट कर रखी है तो इसलिए आपको थोड़ा फास्ट लग रहा होगा, तो आप लोग जो है अब आराम से टाइम देकर अच्छे से करना है, ठीक है? डुप्लीकेट करके दूसरी वाली पे भी लगा लेना आपको सेम इसी तरह। एंड ओपेसिटी तो बाकी ठीक है, ठीक है? एंड आप देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी लग रही है फोटो, तो अभी जो हम इसको थोड़ा सा क्रॉप करेंगे यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे हम इसको इतना रखते हैं एंड यहाँ से जो है इसको पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन लेके एंड यहाँ पे जूम कर लेंगे थोड़ा सा, हमें जितना साइज रखना उतना रख लेंगे यहाँ पे, इतना परफेक्ट है। अब डन करते हैं, ठीक है? इतना हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब इसको जो है हम यहाँ से सेव कर लेंगे, क्योंकि अब जो है इसमें लाइटरूम ऐप में हम जो है बाकी कलर करेक्शन करेंगे एंड फेस स्मूथ तो मैं गाइस यहाँ पे नहीं करता हूँ क्योंकि उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहो तो देख सकते हो। तो यहाँ पे आप सभी सबसे पहले चले जाना लाइट वाला ऑप्शन में, आपको यहाँ पे सिंपली कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कर देना है एंड जो हाईलाइट है इसको इंक्रीज कर देना है, ठीक है? एंड जो शेडो है इसको यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करना है एंड जो व्हाइट ब्लैक है इसको कम करना है एंड जो व्हाइट है इसको इंक्रीज करना है। फिर चले जाना आपको कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे पहले वाइब्रेशन बढ़ा देना है इसका एंड टेम्परेचर जो हल्का सा कम कर देना है। फिर चले जाना आपको मिक्स में, मिक्स में जाने के बाद पहले ऑरेंज कलर लेना है, इसका ल्यूमिनस बढ़ाना है एंड जो सैचुरेशन इसको थोड़ा सा कम कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे येलो कलर लेना है, इसका ह्यू माइनस करना है एंड उसके बाद ब्लू कलर में जाना है, इसका आपको ल्यूमिनस कम कर देना है थोड़ा सा। एंड उसके बाद जो है आपको क्या करना है, आपको इसका थोड़ा सा कम कर लेते हैं ल्यूमिनस एंड जो है सैचुरेशन जो है इसको हल्का सा कम करके रखना है, फिर कर देना है डन। इतना हो जाने के बाद आपको चले जाना इफेक्ट वाले ऑप्शन में एंड इस पर जैसे ही हो जाओगे आपको पहले क्लियरिटी इंक्रीज करनी है फोटो में, ठीक है? फोटो क्लियरिटी एंड विग्नेट डाल देना अपनी फोटो के अकॉर्डिंग, ठीक है? ज़्यादा नहीं कम नहीं, जो अपने हिसाब से डालना है। एंड उसके बाद इसका जो फीदर वाला ऑप्शन है आपको उसको इंक्रीज कर देना है। फिर उसके बाद चले जाना आपको यहाँ नीचे वाला टूल में एंड यहाँ से फोटो की शार्पनेस इंक्रीज कर देनी है। सो यहाँ से हम इसके नोटिफिकेशन में बढ़ा देते हैं एंड कलर नोटिफिकेशन में बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी फोटो कंप्लीट एडिट हो चुकी है, तो आशा करता हूँ और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ सोचे किसी और वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।